इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिलीप कासलीवाल, बंधन मैरिज ब्यूरो, मुंबई। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं दिव्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, भक्तांबर वाले बाबा के रूप में प्रसिद्ध परम पूज्य ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में शीर्ष सिद्ध चक्र महा अनुष्ठान एवं विश्व शांति महायज्ञ सम्पन्न किया गया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के भाईंदर ईस्ट में दत्तु मातृ मार्ग स्थित अम्बेश भवन में 1 से 9 नवंबर 2022 के मध्य आयोजित हुए इस महा अनुष्ठान की दूसरी कड़ी में आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं 4, 5 एवं 6 नवंबर की मांगलिक गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, बिना देरी के देखते हैं अष्टानिका महापर्व के पावन अवसर पर आयोजित किए गए इस कल्याणकारी कार्यक्रम के पावन दृश्य। महाराष्ट्र में मुंबई महानगर के भाईंदर ईस्ट में दत्तु मातृ मार्ग स्थित अम्बेश भवन में श्री सिद्ध चक्र महा अनुष्ठान एवं विश्व शांति महायज्ञ संपन्न किया गया। भक्तांबर वाले बाबा के रूप में प्रसिद्ध परम पूज्य ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज पावन सानिध्य में 1 से 9 नवंबर 2022 तक चले इस महा अनुष्ठान की मांगलिक गतिविधियां नित्य में पूजन से प्रारंभ हुई। पुण्यशाली भक्तों ने क्रमवार आकर पांडुशिला पर विराजमान जिनेन्द्र भगवान का पंचामृत से अभिषेक कर अपने कर्मों की निर्जरा की। ओम रीम त्रीम क्लीम ऐं मरवा वाम हाम 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 शम शम तम तम पम पम झम झम झिम 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 द्रम द्रम त्रिम त्रिम द्रवे द्रवे ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्र जलने दुग्धाभिषेकम करोमिति संसार महादुख ओम रीम दुग्धाभिषेकम करोमिति अर्घ्यमद्रवामिति। इसी क्रम में सौभाग्यशाली भक्तों ने प्रभु जी की मंगल आरती भी उतारी। आरती इसके पश्चात श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुदेव द्वारा उच्चारित रिद्धि मंत्रों के मध्य तीर्थंकर भगवान की शांति धारा कर समस्त जीव जगत के कल्याण की भावना भाई। अतिकामम रतिकामं क्रोधं अग्निं सर्वशत्रुं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचौरभयं सर्वदुष्टभयं सम्रिग्भयं सर्वातचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठ रोगम सर्वक्रूर रोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम। शांति धारा संपन्न होने के बाद पात्र बने देवगणों सहित सभी भक्तों ने अर्घ्य समर्पित कर पूजन की नैमित्तिक क्रियाएं पूर्ण की। प्रज्ञा प्रधान सर्वणा समेत्रा प्रत्येके भूता दशरे में पूर्वे बोलो। पूजन के दौरान इंद्रजन व सहभागी श्रद्धालुओं ने भक्ति नृत्य करते हुए विधान मंडल की परिक्रमा लगाई। रंग मारे गुरु थारा ही रंग में रंग गयो रे हे रंग मारे गुरु थारा ही रंग में रंग गयो रे। इसके पश्चात विधानाचार्य जी के निर्देशन में सभी इंद्रजनों ने क्रमवार आकर विधान के अर्घ्य समर्पित किए। जो भिन्न भिन्न इकिलारे शब्दन सुने अरे बिचारे यही दिन पाए सुख दाता
नमो सिद्धि भये जगदाता। प्रेम सबन सौदृति जिन सिद्धि भये हमारे गेम नृपामिति। अग्रिम कड़ी में सौभाग्यशाली भक्त परिवार परम पूज्य डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज श्री चरणों को प्रक्षालित कर उनकी चरण रज को मस्तक पर धारण कर धन्य हुआ। इसी बीच श्रावक श्राविकाओं ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीष भी प्राप्त किया। मुझे लगी गुरु संग प्रीति ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी गुरु संग प्रीति ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गए मन के पीड़ ये दुनिया क्या जाने। दोनों हाथ जोड़ा दे दोनों हाथ जवा दे जय हो। इसके उपरांत कार्यक्रम में अब आया समय गुरुवर के मंगल प्रवचनों का। परम पूज्य आचार्य श्री ने अपनी मंगल वाणी में देव उठनी एकादशी अर्थात देवोत्थान पर्व के विषय में महत्वपूर्ण बातें बतलाई। देव उठनी एकादशी दीपावली से भी श्रेष्ठ, जिसे छोटी दीपावली के रूप में याद किया जाता है। हिंदू संप्रदाय में एकादशी को चावल ग्रहण करने में दोष माना जाता है। एकादशी को जो चावल ग्रहण करते हैं वह चावल पेट में जाते ही जीवों की उत्पत्ति कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन देव जागृत हो जाते हैं और जब कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन आता है उस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। आज के दिन देव जागृत हो जाते हैं। जैसे ही चातुर्मास का शुभारंभ होता है देव का शयन हो जाता है। जैसे ही कार्तिक शुक्ल एकादशी का शुभारंभ होता है देवों का जागरण होता है, व्यापार की तरक्की होती है। कार्यक्रम में 5 नवंबर को जहां सभी श्रावक श्राविकाओं ने विधानाचार्य श्री द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य जल फलादि के अर्घ्य समर्पित कर विधान की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की, तो वहीं श्राविका ने मधुर भजन के माध्यम से गुरु चरणों में अपनी विनयांजलि प्रेषित की। परिणाम न जानते हैं जिन पहुँचने योग्य न आवते हैं जिनको प्रेम गुण महागुण धारते हैं हम पूजते पाप विनारते हैं। ओम प्रमेय धर्माय नमार्गे नृपामते गुण परिप्रमाण दशानति ही निज रूप न जानते हैं किति ही जिन वेन प्रमाण सुधारते हैं हम पूजते पाप विनारते हैं। ओम नवलगत धर्माय नमार्गे नृपामते जितने कछु हैं परिणाम विषय सब चित्त स्वरूप सुजानति से सुख चेतनता गुण धारते मेरा कस के पकड़ लो हाथ छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा मेरा कस के पकड़ लो हाथ छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा। इसके पश्चात पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में मैना सुंदरी और श्रीपाल के प्रेरक प्रसंग को बड़े ही भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया। इसी बीच गुरुवर ने अपनी मंगलवाणी में मैना सुंदरी के प्रकरण को कुछ इस प्रकार बतलाया। वो सुख मेरी बेटी को प्राप्त हो, मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, जैसी सेवा मैंने की है उससे अच्छी सेवा इसका पति करे, लेकिन जीवन में पिता अच्छा परिवार दिला सकता है, अच्छे लड़के की खोज कर सकता है, लेकिन कोई पिता बेटी के कर्मों को बदल नहीं सकता है। जो पूर्व में कर्म किए हैं, जिसने जो कर्म किए हैं उसे उस कर्मों को भोगना ही पड़ता है। इसके पश्चात भक्तों ने विधान पूजन की शेष मांगलिक क्रियाएं पूर्ण कर विधान मंडल की परिक्रमा लगाई। एक दिवस गए जिन मंदिर में दर्शन करे अति हर शेर में फिर लगे साधु मर जाने निगम मर
बल ज्ञानी बल मुनि वेनी को कर नमस्कार निज निंदा करते बार बार बलिया सुनयन सही मुनि सौंद कद कहानी इसके उपरांत 5 नवंबर की संध्या काल में परम पूज्य आचार्य भगवान ने धर्म स्नेही श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया। पिछले 1.5-2 साल से मैं सपने देख रही हूँ जिसमें मैं ट्रैवल करती हूँ, कोई ना कोई गाड़ी में या तो ड्राइव करती हूँ या तो मैं गाड़ी में हूँ, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से देख रही हूँ। और कल रात का ताजा सपना है, मैंने आपको देखा है महाराज श्री सपने में, और मैंने शेर देखा है, शेरनी देखी है और चीता देखा है। ये सुबह का सपना होगा, लगभग 4-4:30 के आसपास। वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं सेव है यात्रा का सपना, जो चीज़ हम बार बार अपने एक्टिविटी में लाते हैं वो आपके सपने में आना प्रारंभ हो जाती है। यदि हमने यात्रा का सपना देखा है, ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम उस समय भक्तामर का 14 नंबर काव्य को पढ़ें। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास् त्रिभुवनम तवलंघयंती ई संसृतास्त जगदीश्वर नाथमेकम कस्तान वार यति संचरतो यथिष्टम। यात्रा होना अच्छी बात है, लेकिन यात्रा में विघ्न आना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए बहन, अगर आप यात्रा कर रही हो, मैं तो प्रभु से ही प्रार्थना करूँगा कि आपकी ट्रेवल से यात्रा शिखर जी की होती रहे, गिरनार जी की होती रहे, चंपापुरी की यात्रा होती रहे और संतों के साथ आपकी यात्रा होती रहे। आपने मुझे देखा है, शेर चीते को देखा है, ये भी शुभ संदेश होता है, क्योंकि जैन आगम में कहा जाता है कि माता को जब 16 सपने आते हैं, 16 सपने में एक सपना शेर का देखना भी है। यदि आपको शेर दिख रहा है वो संत दिख रहे हैं, इसका मतलब कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि आपके जीवन में होने वाली है। इसके पश्चात परम पूज्य आचार्य श्री के पावन सानिध्य में श्रेष्ठियों ने 48,000 मीटर लंबाई के कपड़े पर देश विदेश की 18 भाषाओं में हाथों में लिखे जा रहे भक्तांबर स्तोत्र का विमोचन किया। जापानीज में लिखा जा रहा है, अमेरिकन लैंग्वेज में लिखा जा रहा है, गुजराती हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, तेलुगु हो, ऐसे 18 भाषाओं में भक्तांबर लिखवा करके 48,000 मीटर का भक्तांबर का झंडा बना रहा हूँ। ये प्रिंट करा करके नहीं, आपके हाथों से लिखा हुआ। आज हजारों लोग, 22,000 से 23,000 लोग अपने हाथों से भक्तांबर लिख चुके हैं, और इसमें मैंने जितने भी फोटो यहाँ डाले हैं, दिगंबरों के फोटो नहीं डाले हैं, श्वेतंबर के डाले हैं, स्थानकवासी मूर्ति पूजक के फोटो डाल करके जैन समाज को एक करने का प्रयास किया है। सांध्यकालीन कार्यक्रमों की श्रृंखला में 6 नवंबर को श्राविका द्वारा प्रस्तुत किए गए भावपूर्ण भजन के मधुर स्वरों में लीन हो सभी ने भक्ति का भरपूर आनंद लिया। गुरु वैरी गाओ सभी भक्ति भाव से, भक्ति भाव से। गुरु वैरी गाओ सभी भक्ति भाव से। समारोह में प्रतिदिन संध्या काल में श्रद्धालुओं ने गुरुवर के सानिध्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गुरु भक्ति में मग्न हो नाचते झूमते हुए 48 दीपों से श्री भक्तांबर महा अर्चना की। गुरुवर का दरबार लगाए, भक्ति तो कर लेने दे, मैनू नच लेने दे, मैनू नच लेने दे, मैनू नच लेने दे, मैनू नच लेने दे। गुरुवर का दरबार लगाए, गुरुवर का दरबार लगाए, भक्ति तो कर लेने दे, मैनू नच लेने दे, मैनू नच लेने दे, मैनू नच लेने दे, मैनू नच लेने दे। इसके बाद पूज्य गुरुदेव द्वारा उच्चारित अड़मोकार मंत्र के मध्य मां अर्चना के दौरान जाने अनजाने में हुई त्रुटियों के लिए प्रभु से क्षमा याचना की। बोले हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, आदिनाथ भगवान जी, हमने आचार्य मानतुंग स्वामी को साक्षी मानकर
भक्त अमर के 48 काव्य की रिद्धि मंत्र के साथ दीपार्चना की है। इस दीपार्चना में हे भगवान हमारे सारे पाप मिथ्या होवे अंचे मी पूछे मी वंदामी नमनसामी दुख को कम खो बोहिला हो सुगई गमनम समाही मानम चिन्गुण संपत्ति हो मच्छम नमोस्तु भगवान नमोस्तु चिन्वाणी माता नमोस्तु आचार्य भगवान। तदुपरांत सभी ने गुरुवर के साथ बड़े ही भक्तिभाव से पद्म प्रभु चालीसा का संगीत में पाठ किया। सामने शिखर पर जाता शिखर जी हाथ पर। अगले क्रम में समय था सांध्यकालीन मंगल आरती का। श्रेष्ठियों सहित सभी भक्तों ने हाथों में दीपक लेकर हर्षोल्लास के साथ प्रतिदिन जिनेन्द्र भगवान और श्री सिद्ध चक्रदेव की संगीत में मंगल आरती उतारी। अरे इसीलिए तो बाबा तेरी आरती करूं आरती करूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंगेरो हाथों में दीपक लेके। तत्पश्चात कार्यक्रम के समापन बेला में भक्तों ने पूर्ण श्रद्धा भाव से पूज्य आचार्य श्री की मंगल आरती की और फिर भक्ति संगीत की मधुर स्वर लहरियों पर नाचते झूमते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। प्रणाम सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो। प्रणाम सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो। आरती उतारो तारी मूरति निहारो। आरती उतारो तारी मूरति निहारो। अरे कर दी तो बेड़ा पार आज तारी आरती उतारो। प्रणाम सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो। तो दर्शकों अभी आप देख रहे थे मुंबई के भाईंदर ईस्ट के दत्तू महात्रे मार्ग स्थित अम्बेश भवन में आयोजित हुए श्री सिद्ध चक्र महा अनुष्ठान एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत 4, 5 एवं 6 नवंबर की मांगलिक गतिविधियां। भक्तांबर वाले बाबा के रूप में प्रसिद्ध परम पूज्य ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 1 से 9 नवंबर 2022 तक चले इस महा अनुष्ठान में सहभागी बन भक्तों ने अपने जीवन को धन्य बनाया। तो दर्शकों इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी आपसे कार्यक्रम की तीसरी अर्थात अंतिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिलीप कासलीवाल बंधन मैरिज ब्यूरो मुंबई।